Hi everyone, this side Rakesh. I am the founder and CEO of Celebrity Face India. And today at Celebrity Face, we have very special celebrity guest Siddharth Nigam, जिनकी हाल ही में मूवी आई है किसी का भाई किसी की जान. और जो ये जो लोग मेरे साथ बैठे हैं ये सिद्धार्थ निगम के कुछ लकी फैंस हैं जो उनके साथ इंटरव्यू करेंगे. इनके कुछ सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं कि ये कैसे एक सिद्धार्थ निगम बन सकते हैं, आगे एक्टर बन सकते हैं, या उनके कुछ जुड़े पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हैं. तो आइए आज हम वेलकम करते हैं हमारे सुपरस्टार सेलिब्रिटी फेस स्टार बॉलीवुड टॉप एक्टर सिद्धार्थ निगम का सेलिब्रिटी फेस में. और वेलकम के साथ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं घर से, लाइक कमेंट सब्सक्राइब हमारा चैनल जरूर करना. और आपका भी कोई सवाल सिद्धार्थ से है फटाफट नीचे कमेंट कर दो. और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी फेस में देख रहे हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में. बिकॉज जो लोग घर में बैठे हैं, सारे बच्चे हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए पूछेंगे ये सारे हमारे ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट्स आज. तो आइए मिलते हैं आप सिद्धार्थ निगम से सेलिब्रिटी फेस में. तो आइए वेलकम करते हैं और क्लैप करते हैं एक बारी सिद्धार्थ निगम गाइस. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संगीता कुमारी और मैं दिल्ली से हूँ. आज हमारे साथ है यहाँ सिद्धार्थ निगम और मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ. हेलो सिद्धार्थ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी मूवी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे. फर्स्ट कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है और आप उन्हें क्यों पसंद करते हो? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ वी ऑल नो कि वो कितनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स निभाए हैं बहुत अच्छे से निभाए. सो आई थिंक एज एन एक्टर मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक फॉर आंसर. या थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. हेलो एवरीवन, आई एम सलमान, आई एम फ्रॉम अलाहाबाद. अरे क्या बात, हमारे सिद्धार्थ भाई भी इलाहाबाद से ही हैं. जी जी बिल्कुल. आप ये हमें बताएं, आपसे क्वेश्चन है कि आपके इलाहाबाद से मुंबई तक की जर्नी कैसी रही? इलाहाबाद से मुंबई तक की जर्नी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्योंकि देखिए सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, सबकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स होते हैं और मुझे बिल्कुल अपना स्ट्रगल बता के सिंपथी गेन करने वाली मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है. बट हाँ, ये जो जर्नी रही है बहुत अच्छी जर्नी रही है और आई थिंक सबकी लाइफ में ना ये जर्नी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आपने ये जर्नी नहीं देखी ना तो आपने ज़िंदगी क्या. हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन सी जर्नी है जिससे हम भी ऐसी जर्नी स्टार्ट कर सकें. बहुत संघर्ष रहा है, लोग जाना चाहते हैं. जी हाँ, बहुत संघर्ष रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है. देर वॉज अ टाइम जब हम लोग यू नो अपना मंथली एक्सपेंस तक मैनेज नहीं कर पाते थे. बट तो वहाँ से यहाँ तक की एक जो जर्नी मेरी रही है बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्डवर्क रहा है. बट एक ही चीज़ मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया है कि हार नहीं माननी होती कभी अपनी लाइफ में, चाहे ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आएँ. और कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना है और हमेशा अपने आप को ये रखना है कि यस आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड नो मैटर वॉट आई विल नेवर एवर गिव अप इन माई लाइफ. और आप ये जो बॉडी बिल्डिंग फाइटिंग ये सब कर रहे हैं, ये आपका बचपन से शौक है या? बचपन से शौक नहीं, बचपन में मैं बहुत थोड़ा फाती था और मुझे बचपन में मतलब मैं एक जगह टिकता नहीं था. तो मेरी मम्मी ने सोचा कि इसको यहाँ जिमनास्टिक्स में डालते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई एक जगह टिकता नहीं, सब इधर उधर फ्लिप करते रहते. तो इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे जिमनास्टिक्स में डाला और उसके बाद जब मैं जिमनास्टिक्स करना शुरू किया तो मेरा पैशन बन गया. एंड फिर जिमनास्टिक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, डिसिप्लिन, फोकस, हार्डवर्क, डेडिकेशन. सो इसलिए फिर मैं जिमनास्टिक्स करने लगा. मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, जिमनास्टिक्स करते करते ही वहाँ पे ट्रेनिंग होती है हमारी, हम लोग 8-8 घंटा वर्कआउट करते थे एवरी डे. तो बस उसी से मेरी बॉडी बनी. वैसे मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाईजान का जी, और आप उनके साथ काम करके हैं तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और उनसे एक चीज़ मैंने सीखी है कि जिस मुकाम पर वो हैं उस मुकाम पर सब नहीं पहुँच पाते. एंड उस मुकाम पर भी आज भी वो इतनी मेहनत करते हैं ना, जब आप उनको देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या बात है. मतलब मैं उनको देख के इतना कुछ सीखा हूँ कि इस मुकाम पे भी वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, डबल मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपना रूटीन अच्छे से रखते हैं. और लाइक इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग आई एंड बहुत सिंपल, एकदम डिसेंट सिंपल बिंदास रियल है. क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका और मेरा ड्रीम है कि मैं उनके साथ कभी मिल के फ़ोटो खिंचा सकूँ, हाँ, सेल्फी ले सकूँ. आगे तो आप जहाँ तक गए वहाँ तक तो बहुत मुश्किल है. जी जी, वो किस्मत वाले को ये चीज़ मिलती है कह सकते हैं. आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे ये मौका मिला उनके साथ पूरी फिल्म करने का मौका मिला. आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल. तो हमारे ड्रीम है कि हम भी कभी उनसे मिलें. जी जरूर जरूर मिलेंगे, सेल्फी लें, कि बहुत बड़े फैन हैं उनके. जी जरूर मिलेंगे, दिख रहा है आप ये देखिए. जी थैंक यू सो मच.
हेलो एवरीवन, माय नेम अमित शर्मा, आई एम फ्रॉम जम्मू। तो मेरा क्वेश्चन है सिद्धार्थ सर से कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे आपने इतनी सारी मूवीज में भी ऑलरेडी आप काम कर चुके हो, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोच? मेरा ना एक चीज़ मानना है कि आने से पहले कुछ बताना नहीं चाहिए तो जब आएगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा। अभी मतलब है बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में, जैसे ही फाइनल होगा तो सीधा पोस्टर लॉन्च लीक नहीं होना चाहिए ना, फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, तो सीधा पोस्टर लॉन्च। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कौन सा रोल या ज़्यादा जो करेक्टर है ज़्यादा पसंद है? मुझे एक्शन करना बहुत पसंद है, और मुझे ना अभी ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि रगेड कैरेक्टर होता है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग रगेड कैरेक्टर, फुल एकदम एक्शन वाला, तो वैसा करना, मुझे वैसा कैरेक्टर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, और मुझे वैसे कैरेक्टर बहुत पसंद है, फुल पावरफुल कैरेक्टर, जैसे आप हम, हाँ जैसे हम सबके भाई जान। एंड आज हमारे साथ सिद्धार्थ सर है, जिनसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। हेलो सिद्धार्थ सर, एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने आमिर खान के साथ भी एक फिल्म कर रखी है एंड सलमान खान के साथ भी, तो आपको किससे ज़्यादा अच्छा लगा, किसके साथ तक तुमने फिल्म करके और क्यों लगा? देखिए, फिल्म करके दोनों के साथ बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जिस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर हम हमेशा यू नो जितने भी एक्टर्स हैं, आमिर सर, शाहरुख सर, सलमान, उनको हमेशा भगवान की तरह ही देखते हैं, बिकॉज हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हमें कभी मुझे कभी ये मौका मिलेगा कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगा, एक्टिंग करूँगा और इतने बड़े बड़े हस्तियों के साथ काम करूँगा। तो जब उनके साथ मैंने मूवी करी तब आई वॉज़ वेरी यंग, अभी आपकी उम्र क्या है? 10। मैं भी 10 साल का ही था मैं बस 10, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ काम करके, बट बहुत छोटा था तो ज़्यादा उनके साथ मैंने यू नो मोमेंट स्पेंड नहीं करे, बट जितना भी मैंने स्पेंड किया उनके साथ बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा उनसे। आज भी मतलब मैं एक्टिंग करता हूँ तो उनकी कुछ बातें हैं जो मुझे हमेशा याद रहती हैं, वो मैं अपने काम में अप्लाई करता हूँ। एंड सलमान सर के साथ जब मैंने काम किया तो बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए, और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रखा, बहुत एकदम भाई जैसा बना के रखा, तो दोनों के साथ बड़ा मज़ा आया, किसी के साथ कम नहीं था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीव पांचन, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, व्हाई? माई इंस्पिरेशन इज़ यू, माई इंस्पिरेशन इज़ एवरी वन जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं मतलब बिलीव करता हूँ कि एक से ना इंस्पिरेशन लेके सब से लूँ, बिकॉज सबके अंदर एक ना एक खूबी होती है, क्वालिटी होती है, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से देन यू विल लर्न, देन यू विल सी, क्योंकि मी एज एन एक्टर मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ लोगों को, लोगों के लाइफ को लेके, लोगों के यू नो स्ट्रगल, उनके टैलेंट, क्योंकि हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं कोई ना कोई टैलेंट हम सब में है, और जब भी मैं लो फील करता हूँ तो मैं यू नो बहुत लोगों को देखता हूँ जो अच्छे हैं, जो अच्छा काम नहीं भी करे उनको भी देखता हूँ, तो मुझे हर बंदे से इंस्पिरेशन मिलती है। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा कहीं पहुँचा हुआ है तो ही मैं उनसे इंस्पिरेशन लूँ, या फिर वो बंदा कहीं नहीं है तो मैं उनसे इंस्पिरेशन नहीं लूँ। इंस्पिरेशन आपको किसी से भी मिल सकती है, आपसे आपसे आपसे, तो मैं इंस्पिरेशन सबसे लेता हूँ, अपने छोटे से छोटे और अपने बड़े से बड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू।